देख रहे हैं अलाइव 24 न्यूज, देश की शान। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। कोरोना काल में जहां सबकी आस अस्पतालों, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग से सबसे ज्यादा है, वहीं नोएडा से एक ऐसा मामला आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला को उसके परिजन सुबह से शाम तक लेकर घूमते रहे, लेकिन उसे हॉस्पिटल नसीब नहीं हुआ। आखिरकार महिला ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के साथ ये दर्दनाक घटना घटी। परिवार में 8 महीने की गर्भवती महिला की तबीयत जब अचानक बिगड़ी तो परिजन उसे लेकर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए निकले। परिवार वाले बीमार महिला को लेकर सुबह ही एम्बुलेंस से निकले, लेकिन उन्हें कोई अस्पताल भर्ती करने को तैयार नहीं हुआ। परिवार को अस्पताल दर अस्पताल जिरह करते हुए सुबह से शाम का वक्त बीत गया। इसी बीच बीमार महिला की तबीयत और बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले नोएडा सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल के गेट पर गुरुवार की रात नवजात बच्ची की मौत हो गई थी, जिसकी जांच के लिए 3 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। आरोप है कि इलाज न मिलने से नवजात ने अस्पताल के गेट पर ही दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया था। फोर्टिस वालों ने मना कर दिया, फिर हम वहाँ पर आए, क्या नाम है उसमें, मैक्स वालों ने भी मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है। तो कुल मिला के फिर हमारी एम्बुलेंस में डेथ हुई। फिर जिम्स में लास्ट में पहुँचे, फिर उन्होंने वेंटिलेटर वगैरह लगाया, फिर उससे कोई फायदा नहीं। कितने महीने की गर्भवती महिला थी ये? 8-9 में लगती थी। तो लगभग आप कितने अस्पताल में जा चुके, सब नहीं मना कर दिया? शिवालिक, हाँ शिवालिक में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन शिवालिक वाले ने भी लेने से मना कर दिया था। तो उसकी कोई कंप्लेंट प्रशासन में की अब तक नहीं किया आपने? अभी कोई नहीं बताया। कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।